कि हम एक परमात्मा के बंदे हैं, हमारा एक परम पिता परमात्मा है, हम एक परम पिता परमात्मा के संतान हैं, बस हमें आपस में मिलजुल कर रहने की जरूरत है। भगवान कभी आपस में लड़ाई करने से, एक दूसरे की निंदा करने से खुश नहीं होता। सत्संग जी, आए सत्संग जी, भगवत गीता, भगवत गीता को भी टेस्ट कर ले। भगवत गीता क्या कहती है परमात्मा के बारे में? भगवत गीता 50 ग्रंथ का सार, 50 ग्रंथ से निकाल के भगवत गीता लिखा गया। ऐसा संग जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। दास के खीसा कहानी ना ज्यादा कोई आवेला, यही हमारे जब दास का विचार होला तो महात्मा लोग का इंद्री होला अस्थिर हो जाला। वैसे को बहिन जी रहली, ये बतिया ये ज्ञान की बात बहुत अटपटी है सत्संग जी। जहां से साइंस खत्म होला, जहां से सोचले का शक्ति खत्म हो जा, वहां से अध्यात्म के दुनिया चालू हो लई जा रही। इतना आसान नहीं बा महात्मा के बात के समझल। बार बार महापुरुषों के संपर्क में आना पड़ता है, शास्त्र वेद का अध्ययन करना पड़ता है। सत्संग में जब आएंगे तब बात समझ में आएगी। ऐसे एगो बहन जी रहली, वो ज्ञानी रहली, दू गो बहन जी मिलली तो लगली आपस में अपने पति के बखान करे। एक जनी जो सांसारिक बहन जी रहली कहली कि हमार पति हमके बहुत जाने न, जब ले खाना ना हम खानी तब ले नाई खाने न, इतना जाने न कि तनी समार तबीयत खराब होला तुरंत दवाई करावे न, यानी हमके पलक पर बैठा के रख ले रहे न। निरंकारी बहन जी रहली कहली बस ये तो न। निरंकारी बहन जी कहली हमारे पति के बात सुनी, हमार पति ऐसा माने कि हम खाना खानी तो हमार पति उपास करे लें। भाई के ऐसे केहू के दुलाह हुई है कि जेकर खाना ना खात हुई है? हमार कहली अंदर इतने ना, हमार पति ऐसा बान है कि हम सूती ले तो हमार पति 24 घंटा जागे लें। बाकी वही सब जागे वाला बा। बहन जी कहली इतने ना, हमार पति तो ऐसा बान है कि हम कपड़ा पहने नहीं तो हमार पति उघारे बान है। बान कि ना ये मारा है ऐसा गलत न समझो। ई जनले का यही कह, यही कह जला कि पानी से पैदा नहीं सांसा नहीं शरीर, आ अन्न ग्रहण करता नहीं जाता नाम कबीर। ये कबीर है ई सांस नहीं लेला, ई पानी से पैदा नहीं बा। ऐसा संग जी यही के जाने के बाद तो भगवत गीता भी क्या कहता है, 50 ग्रंथ से निकाल के भगवत गीता लिखल गई। एक मिनट लगेगा दास नाम बता दे। ऋग्वेद संहिता है ते ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण के न उपनिषद कठ उपनिषद ईशवास उपनिषद मुंडक उपनिषद तैत्रीय उपनिषद छांद्यो के उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद श्वेतास तरो उपनिषद बृहजावाल उपनिषद नारायण उपनिषद ब्रह्म उपनिषद योग दर्शन सांख्यकारिका मनोस्मृति वशिष्ठ स्मृति संवर्ति स्मृति योगाल्प स्मृति अत्र स्मृति शंख स्मृति उत्तर गीता श्रीमद भागवत वायु पुराण बाराण पुराण गरुड़ पुराण मार्कंडे पुराण बृहदर्म पुराण स्कंद पुराण ब्रह्मवर्त पुराण मत्स्य पुराण ब्रह्मांड पुराण कुर्म पुराण विष्णु पुराण शिव पुराण देवी भागवत महाभारत वाल्मीकि रामायण शुद्ध सिद्धांत श्री रामचरित मानस विनय पत्रिका कृष्ण कालामित और भक्तमाल। ये 50 वो ग्रंथ से निकाल के भगवत गीता लिखल गए। भगवत गीता क्या कहता है परमात्मा के बारे में? न तंदा सोते सूर्यो न ससाको न पावको एक गत्वा न निवितंते तद्धाम परमम। अर्जुन एक नहीं 1000 सूर्य, एक नहीं 1000 सूर्य अगर आकाश में उत्पन्न होकर प्रकाश दें तो यह जहां तक परमात्मा का विस्तार है वहां तक प्रकाश कभी पहुंच नहीं सकता। सही है महाराज जी। इतना ही नहीं दास अक्षर कहता है जेके भगवान के नापे के बा कितना बढ़न बा। दास अक्षर मिसाल देता है कि संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं
एक एक पत्ते को 1,000 करोड़ किलोमीटर का पैमाना बनाना है। एक जोन पतवा होला जितना रे संख्या जाने नहीं उतना मान ली, चाहे 1 करोड़ चाहे 1 अरब किलोमीटर लाख जितना कही देख ली संसार में कितना पेड़ पौधा बा, संसार में जितना भी पानी बा समुद्र बा, एक एक बूंद को 1,000 किलोमीटर का पैमाना बना के खड़ा करते रहिए आप। संसार में जितना जीव बना एक एक बाल को 1,000 करोड़ किलोमीटर का पैमाना बना के खड़ा कर लें। जितने भी संसार में पृथ्वी के कण हैं, जितना भी पृथ्वी बा उसको तोड़ के एक एक करोड़ एक एक कण को 1,000 करोड़ किलोमीटर का पैमाना बना के खड़ा कर लें। संसार में जितना भी पैसा सिक्का बा ओके एक सिक्का के 1 करोड़ किलोमीटर का पैमाना बनाकर आप खड़ा कर लें और आकर देख लें। दास दक्षिण राय कहता अगर उससे भी बड़ा परमात्मा को नहीं दिखाया गया तो दास सुम्हा डार में कभी अपना सकल नहीं दिखाया गया। ऐसा 12 साल से यही हम कह रहे हैं संसार के माता पिता, बस एक बार जानने की बात है। यह निरंकारी मिशन कोई नया धर्म नहीं, कोई नया संप्रदाय नहीं। सत्संग जी हम भी उसी सनातन धर्म को मानते हैं जिसे हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं सत्संग जी, क्योंकि भगवान में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी परमात्मा की पूजा हिंदू धर्म में 11 गो रुद्र, 12 गो अदित, 49 मरुत, 8 वसु, 10 विश्वदेव। 11वां अध्याय में आई रुद्रा दित्वा वश्वे वैश्य सांदना विशेष नौ मरुतस्म चोस्म पाश गंधर्व यक्ष असुर सीति संगां विस्मतताइव सर्वे ध्यावा पृथ्वोरिद मंत्रम हिव्याप्तं त्वैव केन दिशस्त सर्वा दशवाट भुदम रूप मुद्रम तवेदम लोकत्रयम् प्रपंचितम् महात्मनम्। हमारे जितने भी सनातन देवता थे किस भगवान की पूजा किए, जो धरती से लेके आकाश तक जो 10 दिशाओं में एक समान। 11वां अध्याय में लिखल बा जेके चाहे ऊपर ली 10 दिशाओं में जो एक समान जिसमें परिवर्तन न होता हो ऐसे परमात्मा की पूजा हमारे सनातन धर्म के देवता किए। आए सत्संग जी और इस परमात्मा को सत्संग जी जानने वाले इतने निरंकारी संत गवाही दे रहे, अदालत में तो 2-3 गो गवाही लगेला। आज इतना लोग गवाही देता कि मैंने इस परमात्मा को जाना है जो सदियों से था आज भी है और कल भी रहने वाला है। आए सत्संग जी और हमारी भगवत गीता भी कह रही और इसी बात को हमारे संसा बाबा ने भी कहा कि बिना कान के सब कुछ सुनता, बिना हाथ के कारोबार करे और बिना टांग के चलता फिरता पिघला पर्वत पार करे, बिना नाक के सब कुछ सुने, बिन जिह्वा राग सुनाता है और बिना आंख के सब कुछ देखे पेट बिना यह खाता है। ऐसा संग जी कोई अलग नहीं, निरंकारी मिशन कोई नया धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, बस यही हो सकता है कि समय अनुसार जो सतगुरु होता है कुछ क्रियाकलाप में परिवर्तन करता है। जैसे पहले हम लोग जैसे माँ बहनों की शादी होती थी तो पहले देखी देखा होकर उसके बाद बड़ा अच्छा चढ़े, फिर तिलक होकर फिर सत्संग जी शादी हो उसके बाद 3 साल या 5 साल के बाद गौना होकर। लेकिन अब ऐसा सिस्टम आ गया कि एक दिन में सारा काम हो जाता पूरा, वही सतगुरु ने आज सिस्टम बता दिया। ऐसा संग जी ऐसा नहीं है कि समय में हनुमान में दुर्गा में राम नहीं है। सत्संग जब पूरा संसार ही भगवान का रूप है तो हर जगह भगवान है, लेकिन जो सतगुरु ने छन्ना लगा दिया क्यों, क्योंकि ये महाराज जब नकली के पीछे भागम न तो लोग फोटो देखा देखा भगवान के नाम पर लोग कमाता। संसार में यहां तक देखे के मिलता कि लोग नीचे एक बोरा चना गाड़ देता, ऊपर से दुर्गा जी का मूर्ति रख देता और ऊपर से माटी चढ़ा के ढक के रोज रोज जाकर में पानी देता। आज जब धीरे धीरे जब चना फूली तो मूर्तियां निकल के बहरवन आई महाराज, तो लोग ऐसे ऐसे भगवान के नाम पे कमाता। इसीलिए सतगुरु ने कहा ऐसा नहीं है कि परमात्मा मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, अरे हर जगह रहने वाला है, लेकिन जरूरत है
तो झुको है इंसान मेरे साकार रूप पर। कहनी न भगवान का पहला स्थान इंसान है, ओकरे बाद इंसान के बनावल मूर्ति। तेरावा अध्याय में आई कहना हे अर्जुन, सर्वेन्द्री गुणाभासाम सर्वेन्द्री विवर्जितम असक्तम सर्वनिर्वृजतम गुण भोगती च। और तो समझ लीजिए, सर्वेन्द्री गुणाभासाम, कहे अर्जुन सब इंद्री के गुण के हमें आभास करे। संस्कृत बहुत कठिन नहीं होला, समझले के बात बा। सर्वेन्द्री गुण आभास नहीं लोग कहला, आभास होता केहू आया वाला बा। कहे सब इंद्री के गुण को मैं आभास करता हूँ, लेकिन सर्वेन्द्री विवर्जितम, सब इंद्रियों से मैं वर्जित हूँ, मैं निर्गुण हूँ, लेकिन गुणों को भोगने वाला हूँ। कैसे? माता पिता भाई बंधु संसार में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, सब मेरा साकार रूप है। सबको भगवान समझ के खिलाओगे तो भगवान की पूजा हो जाएगी। भगवान तक पहुंचने का सबसे साठ-काट तरीका इंसानों से प्रेम करना। अगर हम इंसानों से प्रेम नहीं करते, इंसानों के साथ हम अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो लाख जग पूजा पाठ करने वाले हो, हम किसी प्रकार के धर्मी कहलाने के लायक नहीं। ऐसा संगत जी, ऐसा संगत जी, ना बोली महाराज, ऐसा संगत जी, बस जरूरत है तो नजर। भगवत गीता में कृष्ण कहे कि हे अर्जुन, मैं भूत हूँ, मैं प्रेम।